तो मेरी रिक्वेस्ट है भाई, मेरे को नहीं पता कि ट्विटर कैसे वर्क करता है, ठीक है, कि उस पर क्या शेयर करना पड़ता है। ज़िंदगी में पहली बार मैंने इंस्टॉल करा है। कल वहाँ पे भाई हमको क्रिमिनल्स के साथ पटक दिया गया जेल सेल में। पाजी और मेरा एक तरह से ना, जब एम्बेसी ने फ़ोन नहीं उठाया, हमारा रोना निकल गया था, ठीक है, कि हमारे पास 5-10 मिनट थे, उसमें हमने एम्बेसी को फ़ोन करा, अपने पेरेंट्स तक को फ़ोन नहीं करा, क्योंकि इस टाइम पे एम्बेसी हमारी मदद कर सकती थी। अगर आपके पास ट्विटर है तो भाई अपने कीमती समय के 10 सेकंड निकाल के रीपोस्ट कर देना उसमें। मेरे को नहीं पता क्या टैग करना होता, क्या नहीं टैग करना होता, प्लीज़ कर देना। और अगर नहीं है, इंस्टॉल करके करोगे तो भाई मैं क्या बताऊँ, बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा। और बस एक सवाल का जवाब चाहिए मेरे को, हेल्प जाए बाढ़ में, निकल गए ना हम बाहर, निकल गए, एक जवाब चाहिए बस मेरे को, एमरजेंसी नंबर तीनों एम्बेसियों ने क्यों नहीं उठाया? उसका सिर्फ टैक्स पेस पे बिल फाड़ा जा रहा है या फिर एम्बेसडर मज़े में सो रहा है बस, हैं? और अभी तो भाई मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम पे डाला है इस पे फुल फ्लेज्ड और अभी तो भाई मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम पे डाला है इस पे फुल फ्लेज्ड वीडियो आएगी कि हमारी क्या हालत हुई। और मैं भी बता नहीं सकता वीडियो के बारे में, डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि अभी भी मैं बुर्किना फासो में ही हूँ, ठीक है। क्या हालत हुई भाई हमारी, और इंडियन एम्बेसी पे एक वीडियो आएगी कि इंडियन एम्बेसीज कितनी यूजलेस हैं, टैक्स पेयर के पैसों को बस वेस्ट करने लग रही हैं। मैंने तो बल्कि ये भी सुना है कई एम्बेसी में बॉलीवुड नाइट होती हैं और वहाँ पर लड़कियाँ नचाते हैं, ये मेरे दोस्त ने बताया, उसको एक एम्बेसी स्टाफ ने बताया दूसरे देश में, ठीक है। ये सब तो छोड़ो, अब मैं क्या ही बोलूँ यार, हमारा तो मतलब, और मैं जब तक नहीं रुकने वाला जब तक कि मेरे पास एम्बेसी ऑफ इंडिया इन बुर्किना फासो से रिप्लाई नहीं आ जाता तब तक मैं वीडियो पोस्ट करता रहूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे, जब तक एम्बेसी इन इंडिया बुर्किना फासो या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हमको जवाब नहीं दे देती कि एमरजेंसी लाइन पिकअप क्यों नहीं हुई। एंड आज के वीडियो में इतना ही, और इस कॉन्ट्रोवर्सी से रिलेटेड और भी कोई अपडेट आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।